हेलो क्रिकेट लवर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़। सो गाइस, फाइनली प्ले स्टोर पर एक नया क्रिकेट गेम लॉन्च हो चुका है। सो गाइस, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। सो गाइस, फाइनली प्ले स्टोर पर भुवनेश्वर कुमार का ऑफिशियल क्रिकेट गेम लॉन्च हो चुका है। सो गाइस, गेम का ग्राफिक्स क्या है, कैसा है, गेम का गेम प्ले, और दोस्तों गेम कितने MB का है, और गेम कैसा है, इसी बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। सो गाइस, गेम का मैं अभी आप लोगों को गेम प्ले भी दिखाऊंगा। सो गाइस, चलिए पहले तो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये गेम प्ले स्टोर पर लॉन्च हुआ है। सो इसे कैसे डाउनलोड करें। सो गाइस, मैंने आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया भुवनेश्वर कुमार ऑफिशियल क्रिकेट गेम का। ये आप लोग या फिर प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे मिल चुका है, या फिर कुछ लोगों को नहीं भी मिल सकता है। सो गाइस, चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ गेम का गेम प्ले और साथ ही साथ गेम का ग्राफिक्स। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो भाइयों, देख ही सकते हैं मैं अभी प्ले स्टोर पे आ चुका हूँ। प्ले स्टोर पे मैं अभी सर्च कर देता हूँ भुवनेश्वर कुमार ऑफिशियल क्रिकेट गेम। ये लीजिए दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार ऑफिशियल क्रिकेट गेम सर्च किया। तो गाइस, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम लोगों को ये गेम मिल जाएगा। तो गाइस, मैंने इंस्टॉल कर चुका, आप जाके भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो गाइस, गेम के कुछ मैं अभी आप लोगों को इमेजेस दिखाऊंगा। ये देख ही सकते दोस्तों इमेजेस गेम के। तो बस देखिए गेम की इमेजेस कितने ज्यादा अच्छे है। तो ये दीजिए दोस्तों, अभी दोस्तों मैं अभी आप लोगों को इस गेम को ओपन करके देखता हूँ कि कैसा है ये गेम, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया। तो गाइस, ये दीजिए गेम ओपन हो रहा है, देखते हैं ग्राफिक कैसा है और क्या ये गेम अच्छा या फिर WCB की तरह ये गेम निकलता। सो गाइस, गेम है दोस्तों 61 MB का, और दोस्तों आज ही ये गेम रिलीज होगा हुआ है। तो गाइस, 61 MB का ये गेम है और रेटिंग मिला है 4.7 का। सो गाइस, यहाँ पे हम लोगों को दोस्तों स्टोरी मोड मिल जाएगा, किंग ऑफ स्विंग मिल जाएगा। सो गाइस, तो भाइयों साउंड बहुत ही ज़्यादा हाई है गेम का। सो गेम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी मोड मिल जाएगा, किंग ऑफ स्विंग मिल जाएगा, क्विक प्ले मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को स्टोर मिलेगा और सेटिंग भी मिलेगा, और यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्क अबाउट हेल्प ऐसे कुछ मिलेगा। सो गाइस, आप लोग साउंड को ऑफ भी कर सकते हैं या फिर ऑन भी रख सकते हैं, कमेंट्री को ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी, और टैप भी कंट्रोल टैप भी रख सकते हैं या फिर स्वाइप रख सकते हैं, तो मैं स्वाइप रखूंगा, और कैमरा भी फ्रंट और बैक भी रख सकते हैं, और बॉलिंग ऑटो और मैनुअल भी रख सकते हैं। सो ऑटो भी देता हूँ। तो भाई, अगर हम लोग स्टोरी मोड के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को भुवनेश्वर कुमार के कुछ स्टोरी मोड मिल जाएंगे, और दोस्तों अगर हम लोग किंग ऑफ स्विंग पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बैटिंग चैलेंज मोड मिलेगा, साथ ही साथ एक बॉलिंग चैलेंज मोड। सो गाइस, अगर हम लोग क्विक प्ले पे जाते हैं तो मैं अभी इस गेम का ग्राफिक देखता हूँ कैसा। सो मैं इंडिया लूंगा और खेलूंगा पाकिस्तान के खिलाफ। ये लीजिए दोस्तों, सो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और गेम स्टार्ट हो रहा है। सो डिफिकल्टी आप लोग इजी ले सकते हैं, मीडियम ले सकते हैं, हार्ड ले सकते हैं, और ओवर आप लोग 3, 5, 10 और 20 ओवर भी ले सकते हैं। मैं 3 ओवर लेता हूँ, देखता हूँ गेम कैसा है। तो कंट्रोल है, टैप और स्वाइप भी हो, और कैमरा भी फ्रंट और बैक है, और मोड से हम लोग सिर्फ बैट कर सकते हैं या फिर सिर्फ बॉलिंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ दोनों ही कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को 3 स्टेडियम मिल जाते हैं, वानखेड़े, ईडन गार्डन और HPCS। और ईडन गार्डन लेके खेलता हूँ, देखता हूँ कैसा है ये स्टेडियम। सो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा कॉइन्स देना पड़ेगा। सो ये लीजिए गेम स्टार्ट हो रहा है। तो अभी ये देख ही सकते हैं गेम का डेवलपर को देख के लगा कि गेम का ग्राफिक बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, लेकिन ये गेम तो ये इस गेम के बारे में मैं क्या बोलूँ, गेम देख ही सकते हैं ग्राफिक्स एकदम ही बकवास है। और दोस्तों गेम जैसा दिखा रहा था वैसा नहीं निकला, एकदम ही बकवास गेम निकला। मैंने तो सोचा था ये गेम बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, तो मुझे स्क्रीनशॉट देख के पता चल गया ये गेम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। सो गाइस, देख ही सकते गेम का ग्राफिक्स इतना ज़्यादा बकवास है, लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ ये आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ।
तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो गाइस ये डुपोला पर तो दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट बैटल भालू से भी खराब निकला। कैसे गेम बनाते हैं दोस्तों, स्क्रीन शॉट वो जो ट्रेलर था ना कल जो निकला था, देख के तो लगा था कि गेम का ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा हाई होगा, लेकिन ये तो गेम चूहा निकला। हमने सोचा था कि शेर होगा गेम और ये तो गेम चूहा निकला। पर क्या बात, सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। सो गाइस गेम का ग्राफिक्स एकदम ही बकवास है, फिर भी आप लोग खेल सकते हैं अगर आप लोग मर्जी है। ये लो डिवाइस इसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो गाइस गेम का तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, ना एनिमेशन ना ग्राफिक्स ना कुछ और। सो गेम पे भी बकवास है, लेकिन ये स्कोर बोर्ड बहुत ही ज्यादा खास है, स्कोर बोर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, WCC2 के स्कोर बोर्ड से भी अच्छा है। तो गाइस एनिमेशन सब कुछ बहुत ही ज्यादा बकवास है। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। प्लीज सिर्फ आज बोलो आज का वीडियो इतना ही था, आज का वीडियो इतना ही था। सो अभी इस वीडियो को मैं खत्म कर देता हूँ। तो गेम का ग्राफिक्स एकदम ही बकवास है, क्या क्या बोलूँ। सो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, गुड बाय।